डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे जो हमारा एक सेक्शन बच गया था कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर, जो हमारे इपोक्सी रेजिन्स हैं उनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। उसके बाद जो हमारे इपोक्सी रेजिन के बाद जो पॉलीयूरीथेन्स होंगे उनको हमने कैसे प्रिपेयर करना है, जो पॉलीयूरीथेन के बाद भी हमारा जो नेचुरल रबड़ हो गया नेचुरल रबड़ के अंदर, और फिर हमारा सिंथेटिक रबड़। बेसिकली आज के इस लेक्चर के अंदर हम हमारे इस यूनिट को कम्प्लीट कर देंगे। सबसे पहले आता है हमारा इपोक्सी रेजिन। बेसिकली सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इपोक्साइड होते क्या हैं। मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, इपोक्साइड। मेजर जो इपोक्साइड यूज किया जाता है भाई, वैसे एपोक्साइड, एपोक्साइड का मतलब क्या होता है भाई, जिसमें ऑक्सीजन की लिंकेज किसी ग्रुप के साथ हो, जैसे इथाइलिन के साथ होगी मान लिया भाई, तो इसको क्या बोल देंगे हमें, इथाइलिन इपोक्साइड। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे इपोक्सी रेजिन्स होंगे इसके अंदर हम क्या लिखेंगे भाई, इपोक्सी रेजिन्स के अंदर बेसिकली द सबस्टांस या द टाइप ऑफ सबस्टांस आर ऑब्टेन्ड बाई पॉलीमराइजेशन ऑफ वन टू इपोक्साइड। इसको क्या बोलेंगे भाई, वन टू इपोक्साइड और इथाइलिन इपोक्साइड। क्या बोलेंगे भाई, इथाइलिन इपोक्साइड। तो इसकी जब पॉलीमराइजेशन होगी तो उससे हमें क्या प्राप्त होते हैं हमारे, इपोक्सी रेजिन। इसके अंदर हम पहला एग्जांपल लेंगे भाई, इपोक्सी रेजिन के अंदर हमारा पोली ऑक्सी मिथाइलिन। क्या भाई, पोली ऑक्सी मिथाइलिन या फिर साथ क्या भाई हमारा, ग्लाइकोल। जैसे कि आपको पता है भाई, जो वर्ड ग्लाइकोल है, वर्ड ग्लाइकोल हम यूज करते हैं भाई जब हमारे मिनिमम दो अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं किसी के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो इपोक्सी रेजिन मैंने पिछले में नहीं करवाया क्योंकि उसमें हमने कंडेंसेशन किया था। यहाँ पर इसकी जो टाइप है ये एक कैसा पॉलीमर है भाई, एडिशन पॉलीमर है। कैसा पॉलीमर है भाई, ये के एडिशन पॉलीमर है। अब आप बोलोगे सर एडिशन पॉलीमर कैसे हो गया, क्योंकि भाई जब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, इसका मेथड करेंगे प्रिपरेशन का, तो उसके अंदर हम देखेंगे भाई कंडेंसेशन के लिए कंपलसरी बताया था मैंने बाई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने जरूरी हैं। ठीक है, तो जो दो अलग अलग ग्रुप हमारे आएंगे उसमें एक के अंदर तो एल्कोहलिक होगा लेकिन बाकी ग्रुप प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, और इस मेथड की कैसे करेंगे प्रिपरेशन, इथाइलिन ऑक्साइड से करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में। ठीक है, या फिर वाटर और NaH जो है एज ए कैटलिस्ट हम इसके अंदर यूज करते हैं। तो बेसिकली क्या लेंगे भाई हम, इथाइलिन इपोक्साइड। इसके अंदर हम किसकी प्रेजेंस लेंगे भाई, NaOH की, या फिर हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल ले लेंगे भाई हम OH CH2 CH2 OH। अब यहाँ पर इसको हम कैसे याद करेंगे भाई, बेसिकली ऐसे याद कर सकते हैं इसको, ये जो ग्रुप है इसका H और यहाँ से OH वाटर निकल गया एक प्रकार से। ठीक है, तो ये जो चेन है इसके साथ कंबाइन होगी। अब यहाँ पर लिंकेज शुरुआत में क्या हुआ है भाई, पहले इसका क्या करेंगे हम OH CH2 CH2 और H और OH वाटर निकल गया, क्या बन गया भाई हमारा O-Na+। तो फर्स्ट स्टेप में अब इसका क्या नाम है भाई हमारा, इथाइलिन ग्लाइकोल। ये क्या है हमारा, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इसका जो H और इसका OH वाटर निकल गया हमारा, क्या बन गया भाई OH CH2 CH2 ONA बन गया। अब इसके अंदर हम इथाइलिन इपोक्साइड डालेंगे भाई, क्या था भाई, इथाइलिन इपोक्साइड CH2O CH2O। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाएगी, यहाँ पे क्या आ गया डेल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ गया डेल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव इसके ऊपर कौन अटैक करेगी भाई, ऑक्सीजन अटैक करेगी, तो ओ जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये चेन एनलार्ज हो जाएगी और जो Na है वो नेगेटिव के साथ आ जाएगा। तो बेसिकली क्या बनाएगा भाई, OH CH2 CH2 O। ओ नेगेटिव के साथ कौन आया भाई, CH2 CH2 और फिर इस ओ नेगेटिव के साथ कौन आ जाएगा, Na। क्या बन गया भाई हमारा, OH CH2 CH2 O CH2 CH2 O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब
इसके अंदर भाई पॉलीमराइजेशन होती रहेगी, बार बार ये ग्रुप हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। क्या डालेंगे भाई हम? CH2O CH2। इस तरह से सेम केस होता रहेगा, यहाँ से ये जाएगा डेल नेगेटिव, यहाँ से ये डेल पॉजिटिव, इस पॉजिटिव के ऊपर ये ओ नेगेटिव अटैक करती रहेगी और इस ओ के साथ ये एन आता रहेगा। मतलब बेसिकली अगर हम देखेंगे ये वाला जो पार्ट है ये बार बार क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो मैं इस रिएक्शन को कैसे लिख सकता हूँ भाई? OH CH2 CH2। ये हमारा था, इसके बाद इसका इसके ऊपर अटैक हुआ है, तो यहाँ से क्या स्टार्ट कर लेते हैं भाई, हमें पोलीमराइजेशन स्टार्ट कर लेते हैं। इसको छोड़ लो क्योंकि पोलीमराइजेशन इसकी दिखाई नहीं हमने, हम यहाँ से पोलीमराइजेशन दिखा रहे हैं। बीच में किसकी पोलीमराइजेशन होगी भी बार बार? OCH2CH2 एन टाइम्स। ये क्या होगी हमारी इसकी पोलीमराइजेशन, और बार क्या बनता रहेगा भाई हमारा? OCH2CH2 ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव। तो इस प्रकार से हमारी इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। लास्ट में क्या कर देंगे भैया हम इसको, प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए वाटर डाल देंगे। वाटर हमारा किसके अंदर डिसोसिएट होगा भाई? H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो यहाँ से एन ए, यहाँ से OH, क्या निकल जाएगा भाई? NaOH, और जो H है वो इसके साथ आ जाएगा। तो बेसिकली क्या बनेगा भाई हमारा? OH, यहाँ से पोलीमराइजेशन की, सॉरी भाई पोलीमराइजेशन अंदर से स्टार्ट करेंगे। OH CH2 CH2 ओ सी एस टू सी एस टू एन ओ सी एस टू सी एस टू ओ एच। तो इस प्रकार से भाई हम क्या बना देंगे? पोली ऑक्सी मिथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बन गया भाई हमारा? पोली ऑक्सी मिथाइलिन ग्लाइकोल। क्लियर है? तो इस प्रकार से भी आसानी से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन क्या बन सकता है भाई कि किस टाइप का पॉलीमर है या फिर किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो किसकी प्रेजेंस हो सकती है भाई? मिथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर, और साथ में क्या होगा हमारा? NaOH एज कैटालिस्ट हम इसके अंदर यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या जाते हैं इसके यूजेस, कहाँ कहाँ पर जो है अपना पोली ऑक्सी मिथाइलिन ग्लाइकोल यूज होगा। तो बेसिकली भाई इससे हमारे तीन प्रोडक्ट्स मेन बनते हैं। पहला जो है हमारा कॉस्मेटिक्स के अंदर, कॉस्मेटिक्स आप समझते हो ना भाई, जो भी ये क्रीम वगैरह होते हैं भाई, जो कॉस्मेटिक का सामान है लेडीज वगैरह ज़्यादा यूज करती हैं उसके अंदर भाई, एज ए लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होता है भाई? चिकनाई देने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है, स्नेहक बोलते हैं इसको। और थर्ड जो है हमारा भाई फार्मास्यूटिकल। तो इस प्रकार से भाई ये हमारे इसके क्या हो गए, जो अलग अलग मेडिकल के प्रोडक्ट है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, उसके अंदर भी इसका यूज होता है। क्लियर है? इसके बाद एक और इपोक्सी रेजिन ले लेते हैं हम। ठीक है, उसकी भी प्रिपरेशन देखेंगे। मेन इसके अंदर मैंने बताया गया एडिशन जो होगी भाई, वो किसकी एडिशन होगी हमारा? इथाइलिन ग्लाइकोल की। उससे बड़ा भी अगर हम कंपाउंड लेना चाहें तो वो हमें ले सकते हैं। ठीक है, तो इपोक्सी रेजिन के अंदर एक और कंपाउंड लेते हैं भाई। इसके अंदर अब की बार रिएक्शन कराएंगे भाई हम एपी क्लोरोहाइड्रिन की। किसकी भाई? एपी क्लोरोहाइड्रिन की एंड बिस्फिनोल। बिस्फिनोल का मतलब है भाई दो हमारी जो फिनोल अटैच हुई है। अब एपी क्लोरोहाइड्रिन क्या होता है भाई हमारा? CH2 CH CH2 CF। ये क्या होगा भाई हमारा? एपी क्लोरोहाइड्रिन। अब इसमें यहाँ पर क्या होता है भाई? ऑक्साइड लिंकेज होती है बेसिकली। तो जैसे पिछले वाले केस में क्या हुआ था भाई, ये ऐसे शिफ्ट हो गया था, ये नेगेटिव हो गया था, ये वहाँ मान लिया पॉजिटिव हो गया, यहाँ से लिंकेज तोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, वहाँ पर इसके साथ चेन ऐड हो, लेकिन अब साथ में कौन आ गया भाई? CH2Cl भी इसके साथ में आ गया। ठीक है, इसमें प्रेजेंस रहेगी हमारी वही सेम, इसके साथ भाई NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो पहले हम बिस्फिनोल ए बनाएंगे। बिस्फिनोल ए हमारा कैसे बनेगा भाई? बेंजीन रिंग, यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप OH, यहाँ पर जो है दोनों फिनोल के बीच में कार्बन के साथ दो मिथाइल ग्रुप होंगे भाई, और यहाँ पर फिर से क्या बना देंगे भाई हमने? फिनोल। ये क्या बन गया भाई हमारा? बिस्फिनोल ए। अब इसके अंदर प्रेजेंस, पहला स्टेप तो वही NaOH के साथ प्रेजेंस, एच और OH क्या निकल जाएगा हमारा? H2O। यहाँ पे क्या होने की क्योंकि साथ में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई? OH C
CH3, ये बेंजीन होगी और इसके साथ क्या आ गया O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो जो Na है वो हमारा किसके साथ आ गया भाई O नेगेटिव के साथ। अब रिएक्शन कराएंगे भाई किसकी प्रेजेंस में, एपी क्लोरोएथिलीन की प्रेजेंस में, एपी क्लोरोएथिलीन। अब क्या हमारा एपी क्लोरोएथिलीन CH2CH दोनों के साथ ऑक्साइड लिंकेज CH2Cl। अब जैसा पिछले केस में हमने पढ़ा था भाई ऑक्साइड मूव कर गई थी, सेम यहाँ पे भी होगा, ये यहाँ पे मूव करेगा, इसके ऊपर क्या आएगा डेल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या आएगा डेल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर कौन अटैक करेगा भाई हमारा O नेगेटिव। तो बेसिकली क्या बनेगा भाई हमारा, इस साइड बना देता हूँ मैं, क्या बनेगा भाई OH फिनोल C के साथ हमारा CH3 फिर से फिनोल, अब O नेगेटिव। अब O नेगेटिव ने कहां पर अटैक किया भैया करके CH2 के ऊपर, तो इस O नेगेटिव के साथ अब हमारा क्या अटैच होगा भाई CH2, फिर CH, अब इस CH के साथ यहां पे क्या है O नेगेटिव, O नेगेटिव के पास क्या आ जाएगा Na पॉजिटिव, तो O नेगेटिव Na पॉजिटिव, आगे क्या भाई हमारा CH2Cl। तो इस प्रकार से इसकी प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन हो जाएगी। अब क्या करेंगे भाई इसके अंदर से, अब O नेगेटिव Na पॉजिटिव है तो आपको पता भी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्या निकल जाएगा भाई इसके अंदर से हमारा NaCl निकल जाएगा। NaCl के निकलते ही हमारा क्या बच जाएगा भाई दोबारा से इस CH और CH2 के बीच में इपॉक्साइड बॉन्ड बन जाएगा। तो बेसिकली क्या लिख देंगे भैया हमें OH बेंजीन रिंग CH3 अगेन बेंजीन रिंग इसके साथ में भी हमारा O CH2 CH। अब देखिए यहां से NaCl तो निकल गया, Cl नेगेटिव गया तो पॉजिटिव बन गया, ये O नेगेटिव हो गई, तो ये ऑक्साइड इन दोनों के साथ लिंकेज कर रहा है CH CH2 इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भाई हम एक और इपॉक्सी रेजिन जो उसको हमें बना सकते हैं, ठीक है। तो जो पॉलीमराइजेशन इस प्रोसेस के अंदर वो बिगिन होती है भाई किससे, इपॉक्साइड आयन के ऊपर अटैक होने से, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप जितना चाहो इस रिएक्शन को जो है पॉलीमराइज करके आप अपना जो प्रोडक्ट है वो बना सकते हो, ठीक है। इस टाइप के पॉलीमर का यूज होता है भाई ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनको बनाने में, और जो लेमिनेटिंग मटेरियल है या फिर किसी भी एक प्रकार से अगर हमें किसी पॉलीमर को स्ट्रेंथ ज़्यादा देनी है उसके अंदर भी जो है पॉलीमर को जो है मैट करके इसका यूज कर सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद थर्ड आता हमारा पॉलीयूरेथेन्स, थर्ड क्या आता है हमारा पॉलीयूरेथेन्स। बेसिकली अगर इस वर्ड के अंदर से मैं पॉली को हटा दूं, ठीक है, तो क्या बच जाएगा भाई हमारा यूरेथेन। यूरेथेन बेसिकली क्या होते हैं, आर एन एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ये हमारे क्या होते हैं भाई यूरेथेन्स, क्या होते हैं भाई यूरेथेन्स, पॉली यूरेथेन। पॉली का मतलब क्या होगा भाई, मैनी टाइम बार बार इसकी रिपीटेशन होगी, ठीक है। अब ये जो पॉली यूरेथेन है ये किसका एक प्रकार से डेरिवेटिव है भाई, ये डेरिवेटिव है आर एन एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इस कंपाउंड का, इसके अंदर से एच को एलिमिनेट करके कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया गया भाई, अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, कार्बोनिक एसिड, क्या बोलते हैं भाई इसको, कार्बोनिक एसिड। तो बेसिकली पॉलीयूरेथेन क्या हो गए भाई हमारे, ये हमें प्राप्त होते हैं भाई बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ यूरेथेन, जो एक एस्टर है भाई किसका, आर एन एस सी एच का, ठीक है। अब कार्बोनिक एसिड जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, मतलब ये जो मॉलिक्यूल होता है भाई ये हमारे क्या होते हैं, काफी अनस्टेबल होते हैं और बहुत जल्दी टूट करके अमीन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से निकाल देते हैं, कैसे भाई, आर एन एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ऐसे है, यहाँ से क्या निकल जाएगा भाई हमारा COO CO2 निकल जाएगा, ठीक है। अब हम कार्बोनिक एसिड से शुरुआत करेंगे इसकी, यहाँ पे H ले लेते हैं हम शुरुआत में, तो यहाँ से क्या निकल गया CH2, तो क्या बच गया भाई हमारा RnH2 plus CO2। तो ये जो कार्बोनिक एसिड होते हैं हाईली अनस्टेबल होते हैं
और टूट करके हमें क्या देते हैं भाई, अमीन एंड ए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर है। इसके बाद जो पॉलीयुरेथेन है उसको बनाया जाता है बेसिकली कंडेंसेशन से, किस किस के बीच में, डाइपोल्स या फिर पॉलीमर पॉलीएस्टर्स, जिसके अंदर हमारा कौन सा ग्रुप होना चाहिए, सी एस टू ओ एच ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। और एक क्या होना चाहिए भाई हमारा, डाई आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट समझते हो गए भाई, एन सी एस ए जो हम बनाते हैं वो क्या हमारा आइसोसाइनेट, डाई आइसोसाइनेट का मतलब क्या है, दो उसके अंदर जो है ऐसे ऐसे ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। अब जो डाइओल हम यूज करें उसके लिए कंडीशन है भाई, उसका जो मोलिकुलर मास है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, मतलब जो अल्कोहल हम यूज करेंगे, डाइओल यूज करेंगे भाई, उसका मोलिकुलर मास ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके एंड में कौन सा ग्रुप होना चाहिए भाई हमारा, सी एस टू ओ एच ग्रुप। तो इसको बेसिकली भाई हम क्या बोल देते हैं, प्री पॉलीमर बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये हो गया हमारा ओ एच सी एस टू। तो यहां पर इसको क्या बोल दिया जाता है भाई, प्री पॉलीमर है, ठीक है, लो मोलिकुलर मास होगा और दोनों एंड पे हमारा कौन सा ग्रुप होगा भाई, सी एस टू ओ एच सी एस टू ओ एच, क्योंकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के लिए हमारा बाई फंक्शनल ग्रुप का प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। इसके अंदर क्या डालेंगे भाई, क्या होना चाहिए, और डाई आइसोसाइनेट कंपाउंड, डाई आइसोसाइनेट का मतलब क्या है भाई हमारा, दो साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट हो तो इसके अंदर लेंगे भाई हम टोलिन टू फोर डाई आइसोसाइनेट, क्या लेंगे भाई, टोलिन टू फोर डाई आइसोसाइनेट। अब ये क्या होगा भाई, बेंजीन रिंग के साथ कौन सा ग्रुप हो भाई, मिथाइल, वो तो क्या होता हमारा टोलिन, अब टू फोर, अब देखो भाई बेंजीन ये हमारा टोलिन हो गया, ठीक है, इसकी हम टू फोर पोजिशन लेंगे, यानी वन टू थ्री फोर, तो यहां पर टू और फोर पोजिशन पे हमारा कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ऐसे दिखा देंगे एन डबल बोन्ड सी डबल बोन्ड ओ, एन डबल बोन्ड सी डबल बोन्ड ओ। अब ये हमारा क्या होगा भाई, एक प्रकार से प्री पॉलीमर होगा, जिसके दोनों तरफ सी एच टू एच सी एच टू एच, यानी ग्लाइकोल है, ये क्या है भाई, डाइपोल, इसके पास क्या है, दोनों तरफ है डाइपोल, साथ में हमने क्या डाल दिया भाई, टोलिन टू फोर डाई आइसोसाइनेट, तो इसकी क्या होगी भाई, पॉलीमराइजेशन होगी, इसकी क्या होगी भाई, अब पॉलीमराइजेशन दिखा देंगे। तो पॉलीमराइजेशन जब होगी भाई, बेसिकली ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव के साथ एच आएगा, तो बेसिकली इसको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखा सकता हूँ भाई, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, इसको ऐसे रख लिया भाई, इस यहाँ नहीं, हम यहाँ ले आएंगे हाइड्रोजन को, कैसे दिखा दिया ये, ऐसे कैसे रख लिया, यहाँ पे क्या आ गया, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, इसके साथ भाई हमारी क्या थी, बेंजीन रिंग, अब ये टू थी तो इस साइड क्या थी हमारी, फोर्थ पोजिशन थी, यहाँ पे क्या था भाई हमारा, वही एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, एन एच सी डबल बॉन्ड ओ, जो एच है इस वाली वो इसके साथ ले ली सी डबल बॉन्ड ओ, अब इसके साथ क्या बच जाएगा भाई, ओ सी एस टू प्री पॉलीमर, क्या बच जाएगा इसके पास भाई, ओ सी एस टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई हमारा, प्री पॉलीमर आ जाएगा, प्री पॉलीमर के बाद फिर से क्या भाई हमारा, सी एस टू ओ, और इसके साथ भाई और कौन सा ग्रुप था हमारा, मिथाइल ग्रुप था वन टू, तो मान लिया भाई इस पोजीशन पर हम क्या दिखा देंगे भाई, मिथाइल, ठीक है। तो आई थिंक भाई मिथाइल, हाँ ठीक हो गया, तो ये क्या हो गया भाई हमारा, पॉली यूरीथेन बन गया भाई, ये क्या बन गया हमारा, पॉली यूरीथेन, ठीक है। ये था भाई टोलिन टू फोर डाई आइसोसाइनेट, टोलिन टू फोर ये वन हो गया, ये टू थ्री, सॉरी भाई ये टू यहाँ है पोजिशन, तो ये कैसे बनाएंगे, एन डबल बोन्ड सी डबल बोन्ड ओ, थ्री फोर एन डबल बोन्ड सी डबल बोन्ड ओ, तो एक एच इसके साथ आया है एन एस सी डबल बोन्ड ओ, एक एच इसके साथ आया है, तो बेसिकली इसके साथ मिथाइल ग्रुप है, ये इसको ऐसे लगा लीजिए, यहाँ से पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हुई, एन एच सी डबल बॉन्ड हो, फिर इसकी सेकेंड पोजिशन पर भाई ये हमारा एन एच सी डबल बॉन्ड हो, तो मिथाइल इसके साथ हो गया भाई, तो मिथाइल इसकी बजाय मिथाइल हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा, क्लियर है। तो इस प्रकार से क्या दिखा सकते हो भाई, यहाँ पे पॉली यूरेथेन।
तो इस मेथड के द्वारा भाई आप जो है अलग अलग टाइप के जो है पॉलीयुरेथेन बना सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं पॉलीयुरेथेन फॉर्मेशन के लिए भी। जैसे अब की बार क्या करेंगे भाई, हमने जो टोलिन 2,4-diisocyanate लिया है उसकी जगह पर हम एडिपिक एसिड ले लेंगे। इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया भाई हमारा OH, CH2, CH2OH। एडिपिक एसिड क्या था भाई हमारा CH2P4, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। तो ये हो गया हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल और ये क्या होगा भाई हमारा एडिपिक एसिड। अब जब पोलीमराइजेशन होगी तो यहाँ से OH वाटर निकल जाएगा भाई, तो क्या दिखा देंगे प्रोडक्ट में हम OH, CH2, CH2, O, C डबल बॉन्ड O, CH2 की 4, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब इस प्रकार से आगे पोलीमराइजेशन चलती रहेगी तो दो बार हम इसको दिखा देंगे। तो लास्ट प्रोडक्ट फिर लास्ट स्टेप में, जैसे इसका प्रोडक्ट क्या बनाएंगे भाई हम OH, CH2, CH2, ये वाटर निकल गया O, C डबल बॉन्ड O, CH2 की 4, C डबल बॉन्ड O, OH, ठीक है। इसके अंदर फिर से क्या डाल दिया भाई एडिपिक एसिड, फिर से यही स्टेप OH वाटर निकल जाएगा, तो एक और क्या आ जाएगा OH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। अब इसका OH और नेक्स्ट चेन का H वाटर निकल जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा OC डबल बॉन्ड O CH2 की 4 C डबल बॉन्ड O OH। अगर मैं इसकी पोलीमराइजेशन करके दिखा दूँ, पोलीमराइजेशन करके दिखाएंगे तो प्रोडक्ट कैसे दिखा सकता हूँ भाई मैं OH CH2 CH2 O, यहाँ से पोलीमराइजेशन C डबल बॉन्ड O CH2 की 4, C डबल बॉन्ड O O CH2 CH2 N टाइम्स, C डबल बॉन्ड O O CH2 CH2 O भाई सॉरी, अंदर O है और फिर क्या आ गया हमारा H। अब इसके अंदर क्या डाल देंगे भाई हमें टोलुइन 2,4-diisocyanate, क्या डाल देंगे भाई टोलुइन 2,4-diisocyanate। तो सेम स्टेप वही हो जाएगा, क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर हमारा NH के साथ हम ऐसे पोलीमराइजेशन दिखा देंगे, यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा बेसिकली NH आ जाएगा, ये हमारा मिथाइलिन ग्रुप यहाँ पे है। अब इस NH के साथ जो है यहाँ से पोलीमराइजेशन को रिमूव, ये H तो लगा लो यहाँ पे मान लिया, और यहाँ से पोलीमराइजेशन दिखा देंगे तो क्या बना देंगे इसके साथ में जोड़ियो भाई O CH2 CH2 O, पोलीमराइजेशन स्टार्ट, फिर वही C डबल बॉन्ड O CH2 की 4, C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 O, यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O NH। तो इस प्रकार से आप क्या दिखा देंगे भाई एक और पॉलीयुरेथेन की फॉर्मेशन दिखा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पॉलीयुरेथेन फॉर्म, क्या आता है हमारा पॉलीयुरेथेन फॉर्म। वैसे तो फॉर्म का मतलब हम बेसिकली क्या समझते हैं कि एक प्रकार से थोड़ा सा अमाउंट किसी कंपाउंड के अंदर जब हम डालते हैं तो उसके अंदर जो झाग बनते हैं, लेदर बनते हैं, उसके लिए हम क्या यूज कर लेते हैं भाई फोम यूज कर लेते हैं। मतलब व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन द पॉलीयुरेथेन फॉर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब वो जो वाटर हम ऐड करेंगे किसके अंदर ऐड करेंगे भाई आइसोसाइनेट ग्रुप के अंदर, बता चुके हैं भाई आइसोसाइनेट ग्रुप क्या है, जो वाटर ऐड करेंगे हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वो किसके अंदर ऐड करेंगे आइसोसाइनेट ग्रुप के अंदर, ठीक है। वो हमें क्या प्रोड्यूस करेगा भाई, क्या प्रोवाइड कराएगा कार्बोमिक एसिड, क्या प्रोवाइड करा देगा भाई कार्बोमिक एसिड, जो CO2 लूज कर देगा। पहले अभी मैकेनिज्म पढ़ा था भाई हमने, कार्बोमिक एसिड में CO2 को लूज कर देगा और एक प्रकार से क्या प्रोड्यूस कर देगा बबल्स प्रोड्यूस कर देगा, कैसे भाई R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये क्या भाई हमारा आइसोसाइनेट है। इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे भाई हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, हम आपको पता है वाटर किस में टूटेगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H तो हमारा इसके साथ OH इसके साथ, तो बेसिकली क्या बना देगा भाई हमारा R NH C डबल बॉन्ड O OH। लेकिन अभी पढ़ा था भाई हमने ये प्रोडक्ट क्या होता है अनस्टेबल होता है, तो इसके अंदर से इमीडिएटली क्या निकल जाता है CO2 और क्या बन जाता है भाई हमारा R NH2
प्लस में क्या निकल जाएगा भाई CH2। तो इस प्रकार से क्या बन गया भाई हमारा प्राइमरी अमीन। अब जो अमीन बना है RNS2 वो अगेन रिएक्ट करेगा आइसोसाइनेट के साथ, क्या लिखेंगे द अमीन फॉर्मड इन दिस स्टेप फर्दर रिएक्ट विद ए आइसोसाइनेट RNC डबल बॉन्ड O। ये इसके साथ क्या करेगा भाई फर्दर रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा एक प्रकार से यूरिया लिंकेज दे देगा, मतलब जो H यहाँ है वो किसके साथ आ जाएगा भाई इस N के साथ आ जाएगा और क्या बना देगा आर एन एच सी डबल बॉन्ड ओ एन एच आर। ये H इसके साथ आ गया भाई, क्या बना दिया आर एन एच सी डबल बॉन्ड ओ एन एच आर। तो क्या बन गया भाई हमारा बेसिकली यूरिया लिंकेज, क्या होगी भाई हमारी यूरिया लिंकेज होगी इस प्रकार से, क्लियर है। उसके बाद क्या आ जाती है भाई इनकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेज। प्रॉपर्टीज एंड यूजेज भाई सबसे नंबर वन प्रॉपर्टी, तो क्या खास बात है भाई ये काफी सॉफ्ट होते हैं और इलास्टिक होते हैं, क्या होते हैं भाई सॉफ्ट इलास्टिक एंड लो डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकेज। इनके अंदर जो क्रॉस लिंकेज है भाई वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम होती है। अब सॉफ्ट भी है इलास्टिक भी है, इस कारण से इसको क्या बनाने में यूज किया जाता है एक प्रकार से जो बाथिंग सूट्स होते हैं, ठीक है वो बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और क्या बनाने में इस्तेमाल किया जाता है इसका स्ट्रेचेबल स्पेंडेक्स, क्या भाई स्ट्रेचेबल स्पेंडेक्स। तो ये बनाने में इस प्रॉपर्टी के कारण सॉफ्ट और इलास्टिक है। स्ट्रेचेबल समझते हो ना भाई आप, जो जैसे आपने स्ट्रेचेबल पैंट सुनी होगी वो क्या होती है जैसे अगर उठते बैठते हम तो स्ट्रेच हो जाती है और खड़े होते ही मान लिया जो वापिस से कंप्रेस हो जाती है। तो इस इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण इसको इसके अंदर भी जो है यूज किया जाता है, ठीक है। और एक और फाइबर आता है लाइक्रा फाइबर, तो इसको और किसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है भाई लाइक्रा फाइबर बनाने में, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी भाई जो पॉलीयुरेथेन फोम है ये रिजिड तो होते हैं लेकिन कैसे होते हैं बहुत हल्के होते हैं, जो पॉलीयुरेथेन फोम होते हैं क्या होते हैं भाई कठोर होते हैं लेकिन कैसे होते हैं हल्के होते हैं, इसलिए इनका यूज किया जाता है किसके लिए थर्मल इंसुलेशन के लिए, इसके लिए भाई थर्मल इंसुलेशन के लिए। इसके अंदर भाई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर हम कोई भी बिजली का काम कर रहे हैं भाई किसी भी बिल्डिंग के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है और थर्मली हमें इंसुलेट करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को मान लिया हीट होने से बचाना है तो उसके चारों तरफ जो एक प्रकार से किसकी टेप भी टेप लगा लो या कवरिंग लगा लो जो हमारे पॉलीयुरेथेन फोम उसकी कवरिंग की जा सकती है, ठीक है। और क्या क्या बनाया जाता है भाई इनके द्वारा जो पिल्लोज हैं जो तकिए होते हैं भाई आपने देखा होगा काफ़ी तकिए बहुत आरामदायक होते हैं, आप सिर रखते हो बिल्कुल पिचक जाते हैं सिर उठाते हैं फिर से वो एक प्रकार से पहले वाले फोम में आ जाते हैं, तो पिल्लोज बनाने में, ठीक है। और जो कार सीट्स होती हैं भाई ठीक है बैठते हैं जब हम वो पिचक जाते हैं वापिस से फिर उसी फोम में आ जाते हैं, तो इस प्रकार से भाई हम पॉलीयुरेथेन फोम और पॉलीयुरेथेन्स का एक प्रकार से यूज और प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। इसके बाद क्या आता है हमारा नेचुरल रबड़। सबसे पहली बात तो भाई नेचुरल रबड़ हमें प्राप्त किससे होता है, ये हमें मिलता है फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ ट्रीज। अब लेटेक्स ऑफ ट्रीज में कैसे होता है भाई, जैसे जो ट्रीज है उसके अंदर एक इंसीजन लगा जाता है कट लगा जाता है उसके अंदर से एक प्रकार से लिक्विड सेमी लिक्विड फॉर्म में बोल लो आप ना पूरी तरह से लिक्विड ना पूरा सॉलिड उसके अंदर से क्या निकलता है हमारा जो है नेचुरल रबड़ जो है निकलता है, ठीक है। अब ये मिलता कहाँ कहाँ पे भाई किन किन कंट्रीज के अंदर वो जो ट्रीज हमें मिलते हैं, बेसिकली वो इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है। सेकंड हमारा मलेशिया के अंदर, थर्ड साउथ अमेरिका के अंदर और कहाँ पे भाई हमारा जो हमारा साउथर्न इंडिया है, साउथर्न इंडिया में कहाँ कहाँ भाई जैसे तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु केरला एंड कर्नाटका, तो इन कंट्रीज के अंदर जो ये ट्रीज पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो नेचुरल रबड़ है भाई इसको ऑब्टेन कैसे किया जाता है, क्या भाई नेचुरल रबड़ को कैसे प्राप्त किया जाता है,
तो नेचुरल रबड़ को मैंने पहले ही बताया भाई किससे प्राप्त किया जाता है, लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। अब ये लेटेक्स क्या होता है भाई, एक प्रकार से मिल्की फ्लूड होता है, जैसे हमारा जो मिल्क है भाई सफेद कलर का होता है, इसी प्रकार से ये भी एक मिल्की फ्लूड होता है जो हमें रबर ट्रीज की बार्क से मिलता है। बार्क क्या होती है, उसके ऊपर जो छाल होती है उससे हमें क्या प्राप्त होता है, लेटेक्स। लेटेक्स के अंदर क्या होते हैं भाई, हमारे 35% तो क्या होते हैं रबर पार्टिकल्स, 35% क्या होते हैं भाई हमारे रबर पार्टिकल्स होते हैं, 4.5 to 5% उसके अंदर क्या होते हैं भाई हमारे प्रोटीन्स होते हैं, और 50% क्या होता है भाई वाटर होता है, लगभग 4% क्या होता है भाई हमारा रेजिनस मटेरियल होता है। रेजिनस मटेरियल क्या होता है भाई, जो इसको इलास्टिसिटी वगैरह प्रोवाइड करता है रबड़ की शेप में उसको लेकर के आता है। तो बेसिकली ये हमारे कंस्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे फिर, इसको लेटेक्स की क्या की जाएगी भाई, कोगुलेशन की जाएगी, ठीक है। अब वो कोगुलेशन कैसे करेंगे, लेटेक्स के अंदर भाई ऐड कर देंगे हम क्या, साल्ट एंड एसिटिक एसिड। क्या ऐड कर दिया जाता है इसके अंदर, साल्ट और एसिटिक एसिड। तो जो कोगुलेटेड मटेरियल है उसको फिर हम पास कर देंगे किसके अंदर से भाई, थ्रो रोलर्स, और जो है एक प्रकार से वो नेचुरल रबड़ के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है नेचुरल रबड़, नेचुरल रबर इज ए 1/4 आइसोप्रीन। अब आइसोप्रीन क्या होता है हमारा, या इसका एक नाम और दे सकते हैं भाई हमें, इसका आयुपैक नेम याद रखना बढ़िया रहेगा हमारा, 2-methyl-1,3-butadiene। देखो भाई पहले तो मैंने बता रखा रूट वर्ड से स्टार्ट किया है भाई, कितने हमारे टोटल ब्यूट है, 4 कार्बन है, 1,3-diene, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है और थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 2-methyl, ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ, सेकंड पे कौन सा ग्रुप हमारा मिथाइल ग्रुप है, बाकी हाइड्रोजन हमारी कंप्लीट कर दें, इसके 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है CH2। तो ये क्या बन गया भाई हमारा आइसोप्रीन। इसकी क्या करेंगे अभी हमें पोलीमराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे भाई हम इसकी पोलीमराइजेशन करेंगे। तो पोलीमराइजेशन के अंदर क्या हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, पोलीमराइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या बना देंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एन टाइम्स। तो एक प्रकार से ये क्या बन गया भाई हमारा पोली आइसोप्रीन, क्या बोल देंगे इसको भाई पोली आइसोप्रीन, या फिर ये क्या होगा भाई हमारा नेचुरल रबर। तो इस तरीके से भी हमें यहाँ पे इसको एन टाइम्स कर दें, ये क्या बन गया भाई हमारा नेचुरल रबर, ठीक है। अब जो नेचुरल रबर होता है इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि जो रबर के पार्टिकल्स हैं वो हमारे किस फॉर्म में या किस शेप में अरेंज होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली वही सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, क्या होती है भाई सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री, मतलब जितने भी डबल बॉन्ड होंगे वो सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर चलेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं भाई सिस पॉलीआइसोप्रीन भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं भाई सिस पॉलीआइसोप्रीन। अब ये शेप कैसे होती है भाई, कैसे फॉर्म होगी, जैसे भाई इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट होगी CH2, ये क्या आ गया हमारा C डबल बॉन्ड C, इस साइड क्या हमारा CH3, इस साइड क्या आ गया हमारा CH2, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन भाई, अब ये जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड इस साइड दोनों हमारे क्या है मिथाइल ग्रुप है, फिर आगे फिर अब CH2 C डबल बॉन्ड C, ये क्या आ गया हमारा ऊपर की तरफ है सॉरी मिथाइल ग्रुप, क्या आ जाएगा भाई CH3, C डबल बॉन्ड C, फिर क्या आ गया H, क्या आ गया CH2। तो इस प्रकार से CH2 C डबल बॉन्ड C CH2 CH2 C डबल बॉन्ड C CH2 CH2 C डबल बॉन्ड C CH2, इस प्रकार से चेन हमारी चलती रहेगी। तो इसको क्या बोला जाता है सिस पॉली आइसोप्रीन, ठीक है। उसके बाद क्या था भाई हमारा सिंथेटिक रबर, क्या था भाई सिंथेटिक रबर, इसको एक नाम और दिया जाता है सिंथेटिक रबर को गट्टा पर्चा, क्या बोलते हैं इसको गट्टा पर्चा।
ये प्राप्त किया जाता है भाई फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के द्वारा। इसी से बस सिस की जगह पे उसकी अरेंजमेंट क्या हो जाती है भाई, ट्रांस हो जाती है। ट्रांस अरेंजमेंट होने से उसके जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और नेचुरल रबड़ के कंपैरिजन में वो जो है ज़्यादा एक प्रकार से बढ़िया क्वालिटी का हो जाता है। इतनी ज़्यादा जो है उसके अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वार्षणिक क्षमता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, वो सारी प्रॉपर्टीज ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन की बढ़िया होती है इसके कंपेरिजन में। उसके बाद क्या आता है हमारा वल्केनाइज रबड़। तो बेसिकली वल्केनाइज रबड़ क्या होता है, जब हम नेचुरल रबड़ को 2-3% सल्फर के साथ ट्रीट करते हैं तो उसके अंदर क्रॉस लिंकेज हो जाती है भाई, उसको क्या बोलते हैं प्रोसेस को वल्केनाइजेशन। और जो रबर हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है वल्केनाइज्ड रबर। क्लियर है? तो इसके अंदर भाई बेसिकली क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है भाई वल्केनाइज्ड रबर की प्रॉपर्टीज जो है नेचुरल रबर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, उसका रीज़न क्या है। तो जो सल्फर हमने डाला है वो क्रॉस लिंकेज कर लेता है, इसके अंदर क्या कर लेता है भाई, वो क्रॉस लिंकेज शो करता है, जिस कारण से उसकी जो प्रॉपर्टीज हो क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। क्लियर है? इसके अंदर भाई अलग अलग जो है आप एक प्रकार से वल्केनाइज रबड़ पढ़ सकते हो, ठीक है, कितना हार्डनेस को बढ़ाना है वो हम इसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है आपका सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर के अलग अलग टाइप है भाई, जैसे सबसे पहला आता हमारा मिथाइल रबर। हालांकि ये टॉपिक ऐसे है भाई आप पढ़ करके आसानी से कर सकते हो, फिर भी मैं बता देता हूँ। मिथाइल रबड़ में बेसिकली क्या होता है भाई, इसको सबसे पहले सिंथेटिक रबड़ प्रिपेयर किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के द्वारा। कब यूज किया गया था इसको, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के द्वारा। किसने बनाया था भाई इस रबर को, जर्मनी ने बनाया था। किसने बनाया था, जर्मनी ने बनाया था, ठीक है। बेसिकली भी मिथाइल रबड़ को प्रिपेयर किया जाता है भाई किससे, पिनाकोल से। इसे भाई पिनाकोल, क्या होता है भाई पिनाकोल, जिसके अंदर कार्बन के साथ दो मिथाइल ग्रुप और एक हमारे एल्कोहल ग्रुप, कार्बन के साथ दो मिथाइल ग्रुप और एल्कोहल ग्रुप। इसके अंदर क्या होगा भाई, दो वाटर मोलिकुल निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे, CH3 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ CH2H, इस CH3 को भी मैं ऐसे लिख लेता हूँ CH2H। H पॉजिटिव ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, H पॉजिटिव ये यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। HOH क्या निकल गया, वाटर मोलिक्यूल। HOH क्या निकल गया, वाटर मोलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या बन गया भाई हमारा 1, 2, 3, 4, 2, 3 डाई मिथाइल, चार कार्बन के लिए ब्रूटा 1, 3 डाई, ये बन गया भाई। अब इसकी क्या करा देंगे हम, परोक्साइड पोलिमराइजेशन। परोक्साइड पोलिमराइजेशन में क्या होगा भाई, ये बॉन्ड आगे चला जाएगा, ये आगे चला जाएगा, तो क्या दिखा देंगे हम, पोलिमराइजेशन करते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एन टाइम्स। तो ये क्या बन गया भाई हमारा, एक प्रकार से मिथाइल रबर। क्लियर है? उसके बाद, इसके बाद भाई हमारा नेक्स्ट आता है थर्ड ब्यूटाइल रबर। थर्ड क्या आता है भाई हमारा, ब्यूटाइल रबर। ब्यूटाइल रबर के अंदर क्या होगा भाई हमारा, आइसो ब्यूटाइलिन लेंगे हम 95% और 5% क्या लेंगे भाई हम, आइसोप्रीन। आइसो ब्यूटाइलिन क्या हो जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2। आइसोप्रीन क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी पॉलीमराइजेशन करवा देंगे बेसिकली, तो क्या बन जाएगा भाई, यहाँ से जब पॉलीमराइजेशन होगी तो H यहाँ से निकल जाएगा भाई। क्या स्टार्ट कर देंगे हम पॉलीमराइजेशन में, CH2, फिर ये दोनों जो CH3 है भाई इनको हम साइड में ले लेंगे। कैसे लिया भाई मैंने, ये जो डबल बॉन्ड है जैसे ये लिंकेज करेगा तो इस CH2 को मैंने आगे ले लिया पॉलीमराइजेशन में। फिर इस कार्बन के साथ क्या, ऊपर भी मिथाइल ग्रुप है भाई हमारा और इस साइड में मिथाइल ग्रुप, इसको मैं ऐसे ले लूँगा, ठीक है। फिर आगे ये इसके साथ कंबाइन होगा CH2, फिर ये बॉन्ड यहाँ पे चला गया C के साथ CH3, क्या आ गया यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, फिर ये आगे चला गया सिंगल बॉन्ड CH2। तो ये क्या बन गया भाई, एक प्रकार से हमारा ब्यूटाइल रबर। क्लियर है? उसके बाद फोर्थ आता है भाई हमारा
नियोप्रीन। नियोप्रीन में हमारा बस इतना ही भाई, जहां पर मिथाइल है इसमें आइसोप्रीन में यहाँ पे सीएल आ जाएगा, इसको क्या बोल दिया जाता है भाई, क्लोरोप्रीन बोल देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद भाई ब्यूना एस, ठीक है, ब्यूना एस भी आसानी से हो जाएगा भाई मेरे हिसाब से, ठीक है। सिक्स आ जाता है ब्यूना एम, ये भी आसानी से हो जाएगा, क्लियर है। तो इस प्रकार से भी आप जो है पॉलीमर यूनिट को जो है कंप्लीट कर सकते हो। अगर फिर भी किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो वो जो है कॉमेंट करके बता सकता है। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, थैंक यू।